दोस्तों 3 मई शुक्रवार की सुबह तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी सबको चौंकाने वाला फैसला लेगी। 2 मई यानी गुरुवार की देर रात यही माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के सामने रायबरेली को लेकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन उसी रात की बैठक में जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। बीते 15 दिनों से राहुल गांधी और अमेठी को लेकर चल रही चर्चाओं का विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जबकि अमेठी से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने को लेकर रायबरेली के आम लोगों की भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि रायबरेली की जनता राहुल गांधी को नकारने वाली है। वहीं राहुल गांधी की रायबरेली के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में भी खुशी का माहौल दिख रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य राहुल वाजपेयी ने कहा कि राहुल जी युवाओं और किसानों की बात कर रहे हैं और देश में भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा 1 मई को रायबरेली और अमेठी में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की थी और उस बैठक में भी वो ये नहीं बता पाए कि रायबरेली और अमेठी के से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन सुबह जब राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर आई तो देखते ही देखते जिला कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ने लगी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके नामांकन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी दिखी। राहुल गांधी के रायबरेली आने के बाद कार्यकर्ताओं का मानना है कि वो इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार को रायबरेली से चुन रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी परिवार यहां से हमेशा जीतता रहा है और इस बार राहुल गांधी यहां के से पहली बार लड़ रहे हैं और वो इंडिया गठबंधन का चेहरा है और यहां से अब वो कम से कम 6 लाख मतों से जीतेंगे। वहीं रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जा रही है। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं जब परिवार ने अपने किसी नजदीकी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। सोनिया गांधी से पहले कैप्टन सतीश शर्मा राजीव गांधी के दोस्त के तौर पर भी यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2004 से सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से सांसद रही हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी राज्यसभा चली गईं। उसके बाद से रायबरेली की जनता में इस बात को लेकर उत्सुकता होने लगी कि इस बार रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा। लगभग 20 सालों तक रायबरेली से सांसद रहने वाली सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक पत्र जारी किया था। सोनिया गांधी ने अपने भावनात्मक संदेश में के अंत में लिखा था कि मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। पहले चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेठी और फिर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। अब राहुल गांधी की रायबरेली से लड़ने के पीछे की रणनीति के बारे में बात करते हुए रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी मां की विरासत को संभालने आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश है कि किशोरीलाल शर्मा गांधी परिवार के करीबी हैं, इसलिए वो भी अमेठी में चुनावी मैदान में मजबूती से डटे रहेंगे। वहीं बात करें कि गांधी परिवार को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, तो वैसे रायबरेली में गांधी परिवार को लेकर किसी तरह की नाराजगी का भाव नहीं दिखता है। यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी के सांसद रहते हुए रायबरेली का रेल कोच फैक्ट्री, एम्स और निफ्ट जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संस्थान मिले, लेकिन जब केंद्र के यूपीए की सरकार चली गई तो सोनिया गांधी का रायबरेली आना कम हो गया था। केंद्र में सरकार ना होने के कारण सोनिया गांधी के पास रायबरेली की जनता को देने के लिए सांसद निधि की योजनाओं के लाभ के सिवाय कुछ भी नहीं था। इस पहलू को बीजेपी नेताओं ने कई बार मुद्दा बनाया कि सांसद सोनिया गांधी रायबरेली नहीं आती हैं, लेकिन इनका बहुत असर रायबरेली के आम युवाओं पर नहीं दिखता है। रायबरेली के एक युवा ने कहा कि रायबरेली से राहुल गांधी का जीतना 100% पक्का है। यहाँ जो भी हो वो सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में रायबरेली में कोई काम नहीं किया है। यहाँ के अश्विनी भी एक बात से सहमत नजर आते हैं। वो कहते हैं कि रायबरेली में जो भी विकास हुआ है कांग्रेस ने ही किया है, बीजेपी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। राहुल गांधी बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटी पूजा कहती है कि हम लोग चाह रहे थे कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और वो भारी मतों से जीतेंगे। वो युवाओं की बात करते हैं, हम लोग पीड़ित थे, नौकरी आती है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। हम लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद है क्योंकि वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी आसानी से जीत जाएंगे। रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि लंबे समय से इंतजार था, अटकलें थी कि गांधी परिवार से ही कोई प्रत्याशी आएगा। राहुल जी के आने से उत्साह बढ़ा है,
दिनेश प्रताप पिछली बार भी अच्छा चुनाव लड़े थे और 3,68,000 वोट पाए थे। पिछली बार मोदी जी के नाम की लहर थी। अभी दिनेश प्रताप सिंह राज्य सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कोई लहर नहीं दिख रही है, इसलिए चुनाव रोचक होगा। वही रायबरेली जनपद में लगभग 18 लाख मतदाता हैं। वैसे तो जातिगत आंकड़ों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक रायबरेली में सबसे अधिक संख्या दलित मतदाताओं की है। रायबरेली में लगभग 35% दलित मतदाता है और इनमें सबसे अधिक पासी बिरादरी के मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 4.5 लाख है। वही ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाता लगभग 12-12% है। राजपूत मतदाताओं की संख्या 5% के आसपास है, जबकि लोधी 6% और कुर्मी 4% है।